दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ना सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई है नहीं है तो ना अभी हम क्रिस्टियन सेब तोड़ रहे हैं अभी अभी तोड़ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पहुँचे हैं किन्नौर, और किन्नौर के उल्यूला गांव में पहुँचे हैं। और जो आज हमारा ट्रैक है वो 11 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर कृष्ण भगवान जी का। जो आजकल यहाँ पे ना जन्माष्टमी के टाइम पे एक मेला लगता है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और आज 15 अगस्त है, क्योंकि हम एक दो दिन पहले जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि भीड़ में हम वहाँ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम दो तीन दिन पहले ट्राई कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा टेंपल है कृष्ण भगवान का, तो आज हम आपको दिखाएंगे। और आपको थोड़ी आवाज़ थोड़ी कम आएगी, क्योंकि पीछे जो नदी बह रही है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैं आपको यहाँ के अभी व्यू दिखाता हूँ कि आपके अभी मौसम कैसा है यहाँ का। अभी 6:30 हो रहे हैं सवेरे, और यहाँ का मौसम चाहिए देखिए, बहुत सुंदर सही मौसम हो रखा है और धुंध पड़ी है यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ का मौसम है, ये आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे, जो आवाज़ आ रही है पीछे पानी की आवाज़ आ रही है, नीचे नदी बह रही है बहुत तेज़। अगर आपको शायद दिखे तो देखना, इसमें नीचे एक नदी बह रही है। और हम यहाँ पे यूला गांव में ठहरे हैं, एक हमने होम स्टे लिया है जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट पे है। ये हमारा होम स्टे है, अगर आप वन रूम लेते हो यहाँ पे तो आपको पड़ेगा वो 600 से 800 रुपये में। और आपको अगर विद अटैच लेटरिन बाथरूम लेते हो तो आपको वो पड़ेगा 1200 से 1500 के बीच में। तो गाइस यार, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और अच्छी वीडियो ला के दें। तो अब मिलते हैं हम आपको सीधा ट्रैक पे। दोस्तों मैं आपको किसी से मिलाता हूँ, बड़ी क्यूट सी हमने यहाँ पे जर्मन शेफर्ड है, फीमेल है, इसका नाम है रूबी, बहुत ही क्यूट है ये, क्योंकि मेरे तो खुद के घर में एक गोल्डन रिट्रीवर है, तो मुझे तो मैं तो डॉग लवर हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये है हिमालयन डॉग, इतना प्यारा है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ किन्नौरी सेब, किन्नौर के जो सेब फेमस है ना वो दिखाता हूँ बहुत नज़दीक से। ये देखिए फाइनल दोस्तों हमारा ट्रैक अब शुरू होने लगा है। देखिए हमारा जो पीछे का व्यू ये है, और आपको मैं अपना ट्रैक दिखाता हूँ कैसा है। ये है ट्रैक, ये रास्ता है जो हम ऊपर जाता है। तो वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरा ट्रैक दिखाऊंगा साथ ही साथ। दोस्तों ये ट्रैक बहुत ही मुश्किल है, आप देख सकते हो मेरे पीछे चलने में। अभी हम मुश्किल से 50 मीटर आए हैं और हालत ख़राब हो चुकी है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और मैंने आपको यहाँ के ना सेब के ना खेत दिखाता हूँ, पूरे लबालब भरे पड़े हैं, सेब ही सेब दिखनी है आपको यहाँ पे। किन्नौर के जो सेब है ना वो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया में नहीं होते। जो लोग बोलते हैं आपको कि ये किन्नौरी सेब हैं, वो किन्नौरी नहीं होते, वो और जगह से आते हैं, चक्राता हो गया, रोडू हो गया, यहाँ से आते हैं। जो लोग बोलते हैं ना किन्नौर के सेब यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट होते नहीं, हो बाहर जाते हैं इस तरह। ये देखिए इतने बड़े बड़े सेब हैं, ये हमारे रास्ते में पड़ रहे हैं इतने सारे। और देखिए फॉग। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ना सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे, तो ना अभी हम ये देखिए हम सेब तोड़ रहे हैं अभी अभी तोड़ रहा है ये। ये मेरा फ्रेंड है, और एक मेरा फ्रेंड ये भी है योगेश, जो देहरादून से है। और देखिए चोरी करके सेब खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हमने तोड़ लिए सेब, अब हमने तोड़ लिए। और यहाँ के सेब देखिए आप, ये है प्योर किन्नौरी सेब। तो हम अब हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स
हमने अभी 100 मीटर की चढ़ाई भी चढ़ी है और हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। अभी तो हमने चढ़ना है 11 किलोमीटर और ऊपर। तो अभी देखो यहाँ जो सेब की पेड़ है ना उनमें पत्ते कम हैं और सेब बहुत सेब ज़्यादा हैं। ये देखो पूरा झूल रहा है पूरा पेड़। तो हमारे वीडियो में बने रहना, आपको मैं ऐसे अच्छे अच्छे व्यू दिखाता रहूँगा। अभी हम यहाँ पे थोड़ा अपना थोड़ा रेस्ट करेंगे और पानी भरेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। पहाड़ों में पानी का स्रोत देखिए आप कैसे होते हैं यहाँ पे। डबल लिया है बस। दोस्तों अब बड़ा खतरनाक रास्ता शुरू हो चुका है। ये देखिए पूरा यहाँ पे ऐसा रास्ता है और ये जंगल है, घना कोहरा। और ये पेड़ आप देख रहे हो अखरोट का पेड़ है। तो फ्रेंड्स किसी ने हमें यहाँ नीचे गांव में किसी ने बोला कि यहाँ पे जंगल में भालू भी मिलेंगे, मतलब उसने ऐसे डरा दिया। अब देखते हैं भालू मिलते हैं या नहीं मिलते। तो वीडियो में बने रहना हमारे साथ। ये देखिए ये जंगल का रास्ता है, पूरी खड़ी चढ़ाई है। अभी तक हमने 4 किलोमीटर कवर किया और 7 किलोमीटर भी और पड़ा है और अभी हमें सब बहुत लंबा जाना है। अभी दोस्तों जो मैंने चोरों की शक्ल भी दिखाया था जिन्होंने सेब चुराए थे ये वो देख ले, ये एक पहला चोरी है, दूसरा वो है। दोस्तों ये सेब हमने किन्नौर चुराया है और नमक हमने घर से चुराया है, ये दोनों चोरी का माल है। तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में और अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे आपको, आपके सामने एक सीक्रेट प्लेस हम रिवील करेंगे आज। तो दोस्तों हम कंडे की घाटी में एंटर करने जा रहे हैं, ये रहा उसका गेट। यहाँ पे कैफ़े भी है जो सुना हमने नीचे, लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ पे कैफ़े भी है। तो देखते हैं कैफ़े कहाँ है। जंगल शायद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से देखते हैं क्या दिखता आगे, ना आगे के नज़ारे में क्या दिखेगा। हाँ ये देखिए दोस्तों यहाँ से सफ़र और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आगे कहते हैं कि और खड़ी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। आगे हमारा कैफ़े आ चुका है, अब हम कैफ़े पहुँचने वाले हैं। देखिए हम आगे का सफ़र कैसा होता है। ये रास्ता तो बहुत बेकार ही है, ना के बराबर ये रास्ता। देखिए तो सामने आपको दिख रहा होगा कैफ़े, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। खाने के लिए बस लास्ट कैफ़े यही है, इसके बाद आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा खाने को। अब कैफ़े को देखना एक बार, ऐसा है कैफ़े। तो ये रहा वो कैफे। तो दोस्तों यहाँ मैं दिखाता हूँ कृष्णा कैफे के जो मालिक है। अभी आना तो कृष्णा कैफे में जरूर आना, ये कैफे है। यहाँ पे आपको मैगी चाय ये सब कुछ मिल जाएगा। ये भाई साहब हैं, हमने क्या क्या मिलता अपने पास। हेलो, यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ मिल जाता है, कैंप है यहाँ पे रहने के लिए। और ये कृष्णा कैफे है, यहाँ पर आपको कैंपिंग का सारा सामान मिल जाएगा, कैंपिंग कर सकते और मतलब खाने पीने का सारा सामान मिलेगा। ये लास्ट यहाँ पे लास्ट कैफे यही है, इसके आगे आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आगे कोई शॉप नहीं है,
बस यही एक शॉप है जो मिलेगा, तो आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई करना एक बार। बस थैंक यू। तो दोस्तों 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद यहाँ पे हमें कैफ़े मिला जहाँ पे हमने ये मैगी ली जो कि बहुत ही टेस्टी है। हाय दोस्तों, हम सवेरे से निकले हैं और अभी तक हम डेस्टिनेशन पहुँचे नहीं हैं, पर हमको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले जो कि मैं आपका शेयर करने जाता हूँ। ये देखिए आप, देख ये छोटे छोटे जो होते झरने, वो नीचे जाके नीचे सतलुज नदी में जाके बहुत बड़ी नदी बन जाती है। अब देखिए ये ऊपर से आ रही पहाड़ के ऊपर से, ये देखिए और नीचे झरने के रूप में नीचे पहाड़ से नीचे गिर रही है। फाइनल दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊपर लेवल का मतलब मंदिर श्री कृष्ण भगवान जी का, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है ये रहा। और ये लेक है और लेक से पानी निकलता है नीचे को, ये नीचे आगे नदी में बदल जाती है, चेंज हो रहा है। तो जिसके लिए हम आए थे वो हिडन प्लेस ये है, मैं आपको थोड़ा और नजदीक से दिखाता हूँ। जो कि पांडवों द्वारा बनाई गई थी। इसका मेला लगेगा जन्माष्टमी के दिन। ये रास्ता इसका, तो दोस्तों ये राव मंदिर हिडन। और इसके साथ ही ये लेक देखिए, अब यहाँ का व्यू तो आपको जगह कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम यहीं पे अपना कैंप लगाएंगे मंदिर के पास ही। हमने थोड़ी जगह देखी है, ये थोड़ी साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे। यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी पीने की, और यहाँ पहाड़ों के नीचे अंदर नीचे रहेगा तो हमको मतलब हवा नहीं आएगी तो ठंड से बचे रहेंगे। हमने जगह से फाइनल की है। आप एक बार यहाँ के व्यू देखिए और ये पहाड़ देखिए कितना बड़ा सुंदर लग रहा है। इतना बड़ा पहाड़ हम नीचे चढ़ के आए हैं, अभी इतना और है पर हमने जाना नहीं है, हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आप इंजॉय कीजिए, अब मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी मैगी बन रही है सुबह के बजे 7 और हमारे मैगी, इसमें हमारी मैगी बनेगी। तब तक आप नज़ारे लो यहाँ के, ऊपर पहाड़ में बर्फ़ पड़ी है आज, ऊपर हो पहाड़। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ओके थैंक यू। ये रहा हमारा टेंट,
जहाँ हम रात को सोए थे और बहुत तेज़ बारिश आई थी।